उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। तो इसमें पहला है जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए परिवीक्षा का नियम लागू होता है। यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के लिए कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो उसे पेरोल कहते हैं। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। पुलिस तथा जनता द्वारा नियंत्रित होते हैं। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य पुलिस तथा जनता के माध्यम से अपराध को रोकना एवं नियंत्रित करना है। उदाहरणार्थ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का स्थानीय जनता से विचार परामर्श करना व उनकी सूचना सहयोग से अपराधियों पर लगाम कसना है। रिमांड गृह एवं बोस्टल स्कूल किन किस सुधार के लिए बने हैं? पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। या बाल अपराधियों के लिए बने हैं रिमांड गृह सर्टिफाइड स्कूल, बोस्टल स्कूल, रिफा मेंट्री स्कूल और प्रोविजन हॉस्टल में महत्वपूर्ण संस्थाएं। वे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिन्हें भारत में बाल अपराधियों की हिरासत संरक्षण और सुधार के लिए काम में लिया जाता है। बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए है? किशोर अपराधी के लिए। बोस्टल स्कूल की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड के बोस्टल नामक स्थान पर वर्ष 1902 में सर एल्विन रगलिस ब्राइस द्वारा एक गैर सरकारी जेल खाना के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य किशोर अपराधियों को वहां रखकर उनका सुधार करना था। भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में वर्ष 1962 में बोस्टल स्कूल की स्थापना की गई। तत्पश्चात बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश में भी एक एक बोस्टल स्कूल की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में भी यह बरेली में स्थापित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से 21 वर्ष तक के बच्चे रखे जाते हैं। बोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन है? यह है एल्विन आर ब्राइस। बोस्टल स्कूल के जनक कौन है? एल्विन रेगलिस ब्राइस। चंपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओपन जेल से संबंधित है। भारत में प्रथम खुली जेल मुंबई प्रांत में वर्ष 1905 में प्रारंभ की गई, 1910 में इसे बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम खुला कारागृह शिविर 1953 में वाराणसी के निकट चंद्र प्रभा नदी पर बांध बनाने के लिए निर्मित किया गया। खुली जेल डॉक्टर संपूर्णानंदन के दिमाग की उपज थी। राजस्थान सरकार ने 1963 में खुला जेल प्रायोगिक तौर पर स्थापित की, जिसे बाद में संपूर्णानंद खुला बंदी शिविर नाम दिया गया। प्राचीर विहीन कारागृह भी इसे कहते हैं। भारत में प्राचीर विहीन कारागृह किसने स्थापित किया? संपूर्णानंद ने। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले अपराध शास्त्री थे सदरलैंड। श्वेतवासन अपराध को अभिजात या भद्र वर्गीय अपराध, सफेद वस्त्रधारी अपराध अथवा सफेद अपराध भी, सफेद पोश अपराध भी कहते हैं। इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय एडविन एच सदरलैंड को दिया जाता है। सदरलैंड ने दिसंबर 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सभापति के रूप में अपने भाषण में श्वेतवसन आपराधिक पर बहुत विचारात्मक तथ्य व्यक्त किया। उनका यह भाषण व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी शीर्षक के अंतर्गत लिखित रूप में फरवरी 1940 के अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू वॉल्यूम 5.1-1-12 नामक अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1949 में सदरलैंड की व्हाइट कॉलर क्राइम शीर्षक के अंतर्गत पुस्तक प्रकाशित हुई। ऐसे अपराधी जिनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति उच्च होती है उसे श्वेतवसन अपराध कहते हैं। वे समान अपराधियों की तुलना में समाज के लिए अधिक भयानक होते हैं। श्वेतवसन अपराधियों के संदर्भ में जे एस राउस ने लिखा है कि सामान्य नैतिकता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ये अविश्वास की सबक
में वृद्धि करते हैं और सामाजिक विघटन की दशा को उत्पन्न करते हैं। इनकी तुलना में दूसरे प्रकार के अपराध सामाजिक संस्थाओं पर कम प्रभाव डालते हैं। श्वेत वसन अपराधियों के संदर्भ में एलियट मैरिल ने कहा है, वे अपने लाभ के लिए सरकार के कानून को भी पलट देते हैं और उनका आचरण शायद ही कभी जेल की सजा या सामाजिक धिक्कार का विषय बनता है। सदरलैंड के अनुसार श्वेतवासन अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है। टैफ्ट के अनुसार श्वेतवासन अपराध अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है। क्लिनार्ड ने कहा है, श्वेतवासन अपराध ऊंची व्यावसायिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। हार्टुंग ने लिखा है, श्वेतवसन अपराधी वह होते हैं जो समाज के ऊंचे आर्थिक वर्ग से आता है और सुरक्षित होता है। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दी है। श्वेतवसन अपराध है इसमें से घूसखोरी। सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराध के स्वरूपों का वर्णन इस प्रकार से किया है, व्यापार में व्यवधान उत्पन्न करना, विज्ञापन में ठगी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट का उल्लंघन, अनुचित श्रम संबंधी कार्य, विश्वासघात तथा आर्थिक गबन, युद्ध संबंधी नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अपराध। इसके अतिरिक्त कॉरपोरेशन के आर्थिक वक्तव्यों में धोखेबाजी, स्टॉक एक्सचेंज में बेईमानी, व्यापार संबंधी रिश्वत यानी घूसखोरी, विज्ञापन व सेल्समैन में असत्य कथन, पूंजी गबन, गलत मापतौल, वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करने में बेईमानी, कर चोरी, जालसाजी, दिवालिया होकर पूंजी का गलत प्रयोग आदि अपराधों को भी सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराध कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेतवसन अपराध है? तो घूसखोरी श्वेतवसन अपराध है। सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है विभिन्न संपर्कों को। सदरलैंड ने वर्ष 1939 में विभिन्न संपर्क का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि आपराधिक व्यवहार की मुख्यतः दो व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, परिस्थिति संबंधी और आनुवांशिक या ऐतिहासिक। पहली अपराध की व्याख्या परिस्थिति जो अपराध के समय होती है के आधार पर की जाती है और दूसरी अपराध की व्याख्या अपराधी के जीवन के अनुभव पर आधारित होती है। सदरलैंड की प्रमुख अभिधारणा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई असंगत और परस्पर विरोधी सामाजिक प्रभावों का सामना करते हैं और कई व्यक्ति अपराध करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं और उनके फलस्वरूप वे अपराधी हो जाते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को विभिन्न संपर्क के नाम से पुकारा। निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहलाता है? तो उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा। सदरलैंड ने कहा, एक ऐसा अपराध जो व्यवसाय की क्रियाकलापों के दौरान समाज में उच्च परिस्थिति में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे श्वेतवसन अपराध कहते हैं।